सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तापस। आज को नया सीखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन किया है और बैंक टू बैंक डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, तो दोस्तों किस तरह से बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर कर सकते हो बैंक अकाउंट से, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन किया नहीं है और एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन करना चाहते हो, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में है। उस वीडियो को देख के आप यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो एयरटेल पेमेंट बैंक में। तो दोस्तों, एयरटेल थैंक्स ऐप से भी ओपनिंग कर सकते हो। तो दोस्तों, एयरटेल थैंक्स ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस ऐप को डाउनलोड करके आप यहाँ पे अकाउंट को ओपनिंग कर सकते हो। तो आज हम बात करने वाले कि डायरेक्टली बैंक टू बैंक अकाउंट में किस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एयरटेल थैंक्स ऐप को हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एयरटेल थैंक्स कर लेते हैं ओपन। ओपन होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे पे पे वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन दिख जाएगा ट्रांसफर मनी, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरह से जो इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको भीम यूपीआई से ट्रांसफर करना चाहते हो या फिर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड से ट्रांसफर करना चाहते हो या फिर क्यूआर कोड के स्कैन करके आप ट्रांसफर करना चाहते हो। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया हुआ है, आपके पास जो अवेलेबल है आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो मेरा दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल है बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड से, तो मैं यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर लूँगा। तो जैसे यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अपना अकाउंट होल्डर नाम डालना है, जो कि जिसका अकाउंट है उसका नाम डालना है और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और यहाँ पे अपना बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से अपना आ जाएगा कौन सा बैंक है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे है एनएसडीएल पेमेंट बैंक, हम यहाँ पे एनएसडीएल पेमेंट बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना बैंक सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों अपने यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देना है फुल। तो चलो हम यहाँ पे आईएफएससी कोड को भी डाल लेते हैं। और यहाँ पे आईएफएससी कोड डालने के बाद पेनो पे ही रखने देंगे और यहाँ पे अपना अमाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। तो एग्जांपल पे मैं यहाँ पे 500 सिलेक्ट कर लूँगा। सॉरी, करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड नाउ पे करना है क्लिक। तो जैसे यहाँ पे सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ जाएंगे, आपको यहाँ पे सही से देख लेना है। उसके बाद सही होने के बाद आपको पे पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना यूपीआई पिन डाल देना है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से प्रोसेस होकर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों हमारा जो है पे हो चुका है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि पेमेंट सक्सेसफुल हमारा हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आसानी से आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूंगा। डन पे क्लिक करते ही वापस आप होम पेज पे आ जाओगे। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट बैंक टू बैंक किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो से कुछ भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक ओपनिंग करना चाहते हो तो एयरटेल थैंक्स ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करके अभी भी तो ऐप को डाउनलोड करके आप यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।